हूँ तुहाडे सामने जाकरी दुनिया का बहुत वड्डा नाम आली जनाब किबला मुबल्लग इस्लाम हतीबे वलायते अली अलामा रियाज हुसैन साहब आफकादी चक जिक्र मोहम्मद आल मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इन्ह की आमद चार सत्रां तो करना चाहना। खुदा जब किसी को ओजे कमाल देता है तो जो है जो अल्लाह किसी नूं बुलंदियां वाले पासे खड़े तो अल्लाह करता की है। खुदा जब किसी को ओजे कमाल देता है तो उसको हुसैन की चौखट पे डाल देता है, तो उसको हुसैन की चौखट पे डाल देता है। और जब किसी को परखना हो तो या अली कह दो, और जब किसी को परखना हो तो या अली कह दो। ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। ऊंचा नारा हैदरी। हुण तुहाडे सामने आली जनाब किबला अलामा रियाज हुसैन साहब आप कादी चाक जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। सूरह मुबारक फातिहा। बिस्मिल्लाह रब العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کان سعید الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللهم صل وسلم علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ ولانۃ الدائمۃ علی آدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومقصری مقامہم من الآن الی قیام یوم الدین بعد یوم الدین ابدا ابدا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनु युख़रिजुहुम मिन ज़ुलुमाति इलन नूर। सलावात। सलावात सारे नहीं पढ़ लेंदे। सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हर के कायनात बसत के मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बसत के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने अबाब मोमिनीन खुबदारान रसूल आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाओ। हालिक सारे दी हाजरी अपनी बारगह विच मंजूर व मकबूल फरमाए और बानियान दी तौफीकात विच हालिक इजाफा फरमाए। किबला दाम ने वक्त इंतहाई तंग है लेकिन मैं जनाब नू जिन्नी जहमत समात देनी है जिन्ना पढ़ना है मैं वक्त की किल्लत नू वेख के नहीं पढ़ना आले मुहम्मद की अजमत नू वेख के पढ़ना। ऐ टाइम ही लिखे ने जिन्ना टाइम में पढ़ना इन्ने टाइम च ही है लेकिन मैं समझना कि इन्ने टाइम विच साईं दी अजमत नज़र आनी चाहिए। मौला तुहानू सलामत रखे। कि भला सूरह मुबारक मैं तमीद दे विच उलझाने की कोशिश नहीं करनी। मैं चाहना कि थोड़े वक्त विच ज़्यादा कह सकूं। सूरह मुबारक बकरा दी काया मजीदा जिथे आयतल कुर्सी मुकदी आयतल कुर्सी वाली वो जिहड़ी आखिरी आयत है ना वो भी पूरी नहीं उहदा पहला हिस्सा एक टुकड़ा मैं जनाब दे बेहतरीन ज़ौक ईमान वास्ते अदिया कीता। खालिक फरमाया अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनू। तवज्जो है ना सारिआं दी। अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनू अल्लाह वली है ईमान वालों का। वाह। अल्लाह अल्लाह वली है ईमान वालों का। किबला मैं अपनी गुफ्तगू का पहला जुमला अर्ज कर रहा अल्लाह वली है अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनू अल्लाह वली है ईमान वालों का। रब आलमीन दा है। ओहो मैं की गुजारिश की थी सूरह फातिहा रोज़ नहीं पढ़ते हर नमाज च वाजिब है अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रब है हमद है उस जात के लिए जो रब है
आलमीन की। अच्छा रब आलमीन है, वली है सिर्फ ईमान वालों का। ओहो शायद मैं गालों वाजे नहीं कर सकिया कि बोला वो खालिक खालिक फिराउन का भी है, राजक नमरूद का भी है। अच्छा जेड़ा उन्होंने खालिक मनता है ना वह भी खालिक है, जेड़ा नहीं मनता वह भी खालिक है, जेड़ा राजक मनता है वह भी और राजक है, जेड़ा उन्होंने नहीं मनता वह भी राजक है, जेड़ा उन्होंने रब मनता है वह भी रब है, जेड़ा नहीं मनता वह भी रब है। लेकिन ये जी कोई विलायत वाली गल है ना, आ हा हा खालिक फरमाया अल्लाह वली जुल्ला जी राह मानू वो जेड़ा रब आला मींद है, खालिक आला मींद है, राजक आला मींद है, अल्लाह वली जुल्ला जी ना मानू वो वली है सिर्फ ईमान वालों का। हैदरी। अच्छा मेरे सामने बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने एक बोला कोई बंदा मैं दस सकता है कि अल्लाह कदों का वली है जी के बला। बड़ी सोहनी गल है, मेरा हाल ये अलावा गल है भी कोई नहीं और जदों तो है ना उदों का ही वली है। वैसे एक गल की मैं समझ आई है विलायत जदों की है ना जदों की, ये कोई शह ही ऐसी है यदा किसी बेईमान नाल तलक ही नहीं। ओहो विलायत कोई शह ही ऐसी है यदा किसी बेईमान नाल तलक ही नहीं। वो जड़ा आलमीन का रब है, आलमीन का हालक है, आलमीन का राजक है। वो आंदा मैं वली हाँ सिर्फ ईमान वालों का। किबला सब ती पहला अल्लाह की विलायत है, विलायत होंगी अल्लाह तो शुरू है। विलायत का सफर वेखना हो अली तो शुरू होकर अल्लाह तक जाता है, अल्लाह तो शुरू होकर अली तक आंदा है। नियाज़ हुसैन तवज्जो करनी। मैं एक चौंके यार जनाब के सामने गुजर जाने वक्त की बड़ी किल्लत है। मैं किबला गुजारिश कर रहा सब ती पहली विलायत। अच्छा किबला कुरान पाक में जिहड़ी विलायत की तरतीब है ना उस तरतीब के मुताबिक पहला वली अली नहीं, पहला वली कौन है? अल्लाह ने विलायत अपने से शुरू की है, सब से पहला अपने आप को वली आख्या। अल्लाह को पता सी लोगों ने मौलविया ने वली दे मैंने बदलने ने, अल्लाह पहला अपने आप को वली आख्या। यह मौलविया जो कुछ आखना है ना मनो ही आखण। ओहो जो भी आखण मनो आखण। अल्लाह पहला अपनी विलायत का जिक्र किया है, मैं अल्लाह तुहाडा वली हाँ। हज़रत अली की विलायत नहीं जी, ये अल्लाह ने जाके आखिर भी जी दसी, पहला अपनी विलायत का तस्करा किया, फिर रसूल की विलायत का जिक्र फरमाया, फिर आखिर में जाके मौला अली की विलायत। किबला तुहाडे मिजाज तू मैं वाकिफ ये अलहदा गल है। बड़े अरसे दे बाद मेरी इतनी हाजरी हुई है, मैं पता तुहाडे अंदर बड़ी जल्दी है कि गली गली हो ये तुहाडे मिजाज नूं मैं जानना। हर मोमन चाहता कि गली गली होवे अली अली होवे, हर जुबान उत्ते अली जन वलीउल्लाह होवे। ये किबला जल्दी तुहानू है अल्लाह नूं नहीं, जागना जागना ने आ दिओ सैन, ये जल्दी अल्लाह नूं नहीं। अल्लाह ने आख्या विलायत अली को आम शह नहीं, अली जैसे वली नू वली मनन वते जरूरी है कि बंदा पहले अल्लाह नू भी वली मनदा होवे उहदे रसूल भी वली मनदा होवे। कि भला अल्लाह ने बंदे चैक किए ने। आल दिन मैं एक बंदा वेख्या उन्हें मुँह से बोकी मारी और मैं क्या कोई जाड़ दुखती तवज्जो है ना सारे, वो कोई जाड़ तो नहीं दुखती? आंदा नहीं। मैं क्या की होया ए उंज ही वो, मैं क्या उंज? वो आंदा मैं कोई वसमा लाया सी तो लड़ गया। तवज्जो है या नहीं? वसमा लड़ गया तो उंज डाक्टर आते ने भी पहला मूँह तो हाँ बिस्मिल्ला पहला उन्होंने किरे सजे खबे उन्होंने चैक करना चाहिए। यदा मतलब है कि वसमा बंदा लाए तो वह भी चैक करके लादा तो की ख्याल है? विलायत अली समझाने वास्ते अल्लाह पहला बंदे चैक नहीं किए? अच्छा या तो नारा लाओ ना, तो जो लाना जे ना तो मैं चाहना कि जो पिछले बंदे बहते हैं मैं पिछे नजर आ रहे हैं उन्होंने भी शिरकत हो जाए नारे में। हैदरी। मौला तुहानू सलामत रखे, मौला तुहाडा सादात दा साया साडे सिरां ते कायम उदाम रखे।
कि बोला अल्लाह ने विलायती अली तू पहला एक थर्मामीटर लाया है और थर्मामीटर तुसा वेखना है केडा वड्डा थर्मामीटर है और जेड़ा थर्मामीटर है ना उस थर्मामीटर तो ना विलायत इलाही है ते विलायत रसूल है। ओहो अल्लाह ने पहला अपनी विलायत रखी है। अल्लाह ने विलायत अली तू पहला मैं जुमला रिपीट कर रहा विलायत अली तू पहला अल्लाह ने बंदे चेक करने वास्ते अपनी विलायत रखी है रसूल की विलायत रखी है ताकि अल्लाह का मैं वेख ला मनू कौन वाली मनता है मेरे रसूल नू कौन वाली मनता है। कि भला जल्दी विच वो जिहड़ी आयत है ना अच्छा लुत्फ की गल है बड़े जीरक पुर मगज लोग मेरे सामने तशरीफ फरमा रहे मैं इशारे दे के गुजरना कि भला इको लफ्जे वाली इको आयत मैं की गुजारिश कर गया इको लफ्जे वाली इको आयत चाहिए ना कि अल्लाह की विलायत किसी होर आयत हो रसूल की किसी होर आयत हो अली की किसी होर आयत हो अली की विलायत समझाने वास्ते मेरे पास वेखना है अल्लाह ने पहला अपनी विलायत रखी फिर रसूल की रखी है फिर अली की रखी है ताकि इहदी विलायत नूं इन इहदे वली होण नूं जो भी आखना जे ना पहला मन्नू आख लो ते मेरे रसूल नूं आख लो। ओहो पहला वो मैं ते मेरा रसूल जो मौजूद हाँ जो आखना जे ना सानू आख लो ना मेरे बारे विच ना रसूल दे बारे विच तुसी अली अल उंगली करो इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह सूरह बकरा का मायदा सवाए इसके नहीं कि तुम्हारा वली अल्लाह है मेरे पास वेख तुहाडा वली अल्लाह लफ्ज़े वली की है अल्लाह ने अगे वाह नाली काम पिया फबाया नियाज़ हुसैन तां वजो कर वाह बिस्मिल्लाह बड़ी मेहरबानी केवल बड़ी मेहरबानी चाहिदा सी इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह वाह रसूल वलीयुकुम नहीं किबला लफ्ज़े वली इक की पढ़ रहे हैं इको लफ्ज़े वली नाल इक ही आयत ही चल्ला भी वली है रसूल भी वली है अली भी वली है अली भी वली इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह सिवाय इसके नहीं कि अल्लाह तुम्हारा वली है व रसूल हो और ओदा रसूल क्यों वली है इस वास्ते कि ओदा है और रसूल किनू आंदे भेजे नू टोरे नू वो इस वते वली है कि ओदा टोरे है अच्छा रसूल वते वखरा लफ्ज़े वली कोई नहीं अगे खाल की फरमाया है जरा सोशल मीडिया से तुहानू पता है मैं खाली इशारा देना है तुहानू पता सोशल मीडिया से एक वीडियो वायरल हुई है उहदे विच कुछ बाजारी मामा दे पुत्र ने जिन्हां दे वलदीतां दे हाने हाल ही ने उन्हां आखिया जी शिया की अजान है ना अच्छा तो अमीर अल मोमिनीन वाई इमाम अल मुत्तकीन अली अल वलीउल्लाह किबला दहशत करती है किबला ये उन्होंने कसूर नहीं ये किबला मामा का कसूर है ये जियात मुक जाती नहीं आज सर मेरे पास वेखना अल्लाह तुहाडा वली है रसूल वली है अगर आयत रसूल तो मुक जाती साड़ी अजान भी मुक जाती ऐसा बूटी पी के अजान नहीं आखी और नशा करके अजान नहीं आखी असा कुरान पढ़ के आखीए अल्लाह तुहाडा वली है रसूल वली है वो जिहड़े रुकू भी ज़कात देने वाले ने वो तुहाडे वली ने किबला एक आयत च अल्लाह भी है रसूल भी है अली भी है न्याज़ हुसैन तवज्जो करनी है अल्लाह क्या मैं वलियां दा ग्रुप तेरे सामने रख छड़िया है हुण मनना ही तो सोच के मनना ही जे मनना ही तो पूरे ग्रुप नू मनना ही छड़ना ही तो पूरे ग्रुप नू छड़ना है। ओहो ओहो हादरी को चेहरे मैं बेवेह ना मैं अपनी मजलिस में जिन्ना चेहरे आखिरी चेहरा भी मेरे नाल मैं चेहरे तो फेस रीडिंग तो हो जाती है मैं उन्होंने रलाण वास्ते जो गेट में बैठे ने किबला मैं एक गुजारिश कर रहा ए जे तालब इलम बैठे ने नौजवान ए जे साडे बच्चे एडमिशन लैन वास्ते जाते हैं कॉलेज वो जो पहला पहला फस्ट ईयर भी जाते हैं
उन्होंने जो पहला मरला होंगे ना उत्थे पहला मरला होता एडमिशन का यानी मजामीन का इंतहाब सिलेक्शन मजमूना की मजमून कड़े रखने केवल उत्थे सब की वड्डा मसला ही होंगे ये वक्रे वक्रे डिस्पर्स मजामीन नहीं होंगे कि जो मर्जी रख लो तवज्जो करनी केवल उत्थे मजमूना के ग्रुप होंगे ने ग्रुप होंगे ने हो सकता है कि जोड़ा ग्रुप तुसा रखे है तो मजमून जोड़ा रखना चाहते हो उस ग्रुप में नहीं दूजे ग्रुप में अच्छा जी उ ग्रुप ने जिस बच्चे जाना उन्हें ग्रुप का इंतखाब करना है परेशान तो नहीं कर रहा अच्छा ग्रुप की ने मसलन मैडिकल है नॉन मैडिकल है जी कामरस है आई सी एस है आर्ट्स है इस तरह ग्रुप ने अच्छा एक तालब इलम है उस पर सियाबा के घरों आया वो आंदा मैं डॉक्टर बनना की बनना मैं डॉक्टर बनना किसी किसी घरों भी आ गया हो सिपाही सियाबा का लफ्ज मैं इस्तेमाल किया तो काम देगा मैं एक जुमला कह लगा वो कहता मैं डॉक्टर बनना डॉक्टर बनने वास्ते आई सी एस से बंदा नहीं रखता सर जी की रखना है मैडिकल मैडिकल कि भला मैडिकल का दूजा ना बायो है बायोलॉजी एक मजमून है एक मजम नौजवानों वास्ते मैं गल नहीं कर रहा ए मैं जरा वजाहत कर रहा ना बजुर्गों वास्ते अच्छा वो आंदा मैं डॉक्टर बनना है लेकिन मेरी बायो नाल नहीं लगती बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी वो आंदा मेरी ना मैं बनना है डॉक्टर मेरी बायो नाल हालांकि बायो का दूजा ना डॉक्टर ही है वो बंदा बायो ना पढ़े बायोलॉजी ना पढ़े तो बंदा डॉक्टर नहीं बनता वो आंदा मनु अबू ने भी आख्या जरूर डॉक्टर बनना है अम्मी ने भी आख्या तो मैं डॉक्टर बनना है लेकिन मेरी ना मनु एलर्जी है बायो तू मनु बायो तू नफरत है मैं बायो नहीं पढ़नी मैं बायो की जगह पर ना कोई दूजा मजमून किसी दूसरे ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप का और मैं वालिया का ग्रुप पेश कर रहा किसी दूसरे ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप का मैं मजमून लै लाँगा वो फिर कॉलेज वाले की आते हैं वह आते हैं इतने मजमून नहीं बदलना ग्रुप बदलना नहीं 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 आ जाओ सैन मेरे पास वेखना हरी बंदे तक वो कहते ने मजमून नहीं बदलना की बदलना है और जे तू बायो बदलनी ना तेरी बायो नाल नहीं लगती तो फिर तू मजमून नहीं बदलना की बदलना ग्रुप बदलना है कि भला ये अल्लाह आख्या वलिया का ग्रुप है जिद अल्लाह है अली है आ जाओ सैन तवज्जो करनी है अल्लाह क्या वलिया का ग्रुप है जिद अल्लाह है रसूल है अली है अल्लाह क्या अगर इस वलिया के ग्रुप में वेखना मेरे पास अल्लाह है रसूल है अली है अल्लाह क्या अगर इस वलिया के ग्रुप में किसी एक नाल तेरी नहीं ना बनती अगर तेरी एक नाल नहीं ना बनती तो उस एक नहीं छड़ना पूरे ग्रुप में छड़ना पूरे ग्रुप कि भला हकूमती मौलवी ने जेड़े वो मौला अली उन्हें कोशिश बड़ी की है कि असी विलायत वाली आयत बिचू कढ़ दीए तो उन्होंने भी तो अल्लाह आंदे ने वह भी तो अल्लाह ने कि भला उन्हें मौला अली की विलायत को रखे ही उस थां ते जिस थां आयत आंदे ने जिन्हों आयत आते ने मौल भी कड़ नहीं सके उन्हें आख्या फिर इंज करने असी जो लफ्ज़े वली दा मैंने ना ये मैंने चूंकि डिक्शनरी लोगों तैयार में एक एक लफ्ज़ के कई कई मैंने होंगे ने कोई मैंने अपनी मर्जी मिजाज के मुताबिक तवज्जो है या नहीं ताकि नौज़ बिल्ला हज़रत अली की अमीयत खत्म हो जाए अपनी मर्जी ना कोई मैंने रख लें अपनी मर्जी ना कि भला बुगज़ी अली ने इन्ना नया किया है ये सोचिए ही नहीं कि असा अगर मैं ना हल्का किया तो अली की विलायत तो पहला रसूल की भी विलायत है ओहो वो निरी अली की विलायत है नहीं अली तो पहला रसूल की भी विलायत है अल्लाह की भी विलायत है यदा मतलब है बुगज़ी अली अली की दुश्मनी कोई ऐसी शह है
जेड़ी बंदे नू इना अन्या कर छड़दी है, ना सामने तो ईद नजर आउंदी है ना रसालत नजर आउंदी है। मौलवियां तर्जमा की कीता, मौलवियां तर्जमा कीता, दोस्त जी अल्लाह तुहाडा दोस्त है, इन्ना मावली हुक्म अल्लाह, सिवाय इसके नहीं कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, उसका रसूल तुम्हारा दोस्त है। अल्लाह ते रसूल ने जिहड़ा दोस्त आख्या ना, यह सिर्फ बोगजे अली का नतीजा जे। एक हदीस मेरे दिमाग में डिगी है, रियाज़ उन नजरा दी, कायनात के पैगंबर फरमाते ने अय्युहा इमरातो नकहत बेगैरे बेगैर इज़्ने मौलाहा, लफ्ज़े मौला आ गया ना, अय्युहा इमरातो नकहत बेगैर इज़्ने मौलाहा फर निकाह हुआ बातिलुन, कोई औरत अपने मौला दी इजाजत दे बगैर निकाह करे ना, ओदा निकाह बातल है। किदा निकाह बातल है? जिहड़ी अपने मौला ओदा मौला ओदा वली, ओ मौला वली एक ही लफ्ज ने, ओदा मौला ओदा बाप भी हो सकता है, ओदा भरा भी हो सकता है, ओदा चाचा भी हो सकता है, ओदा मामा भी हो सकता है। कायनात दे पैगंबर फरमाया अगर कोई औरत निकाह हान की आके पुछता है इस बच्ची का वली कौन है, तवज्जो करो ने आज उस एदा वली कौन है, वली कहंदे ने सरपरस्त नूं, मौला कहंदे ने सरपरस्त नूं। नबी पाक फरमाया अगर कोई औरत निकाह कर दिए बगैर इज़्ने मौलाहा, अपने मौला दी इज़्ज़त तों बगैर, कार तर्जमा मौला दा यार, और तर्जमा कर यार, हुण मैं तां नहीं कर सकदा, ये जिन्हां दा मैंबर है ना वह वारसा ने तहीर ने, न्याज़े हुसैन थोड़ी जी कोशिश करो, तर्जमा कर लो, तर्जमा कर लो, हूँ मौलवी ने तर्जमा इतने यार नहीं करना कि कोई औरत अपने मौला दी इजाजत, अगर मौला दा मैंने यार है कर तर्जमा, ते बरात भी मुनकर वेलायत दे घर आई हो गए, मैं कहना मुनकर वेलायत तू तर्जमा कर, पर कहंदे जी हूँ वली दा मैंने सरपरस्ती है वारस ही है, एक बोला हूँ मैंने क्यों बदले ने, जे मेरी गैरत का मसला है और मेरी इज्जत का मसला है, इहदा मतलब ही विलायत अली दा मौजज़ा है, न्याज हुसैन आखिरी बंदे तक सिर चुकना है, ये विलायत अली दा मौजज़ा है कि जेड़ा भी इहदा मुनकर हो जाए उहदी इज्जत भी खतरे विच हुंदी है, उहदी गैरत भी खतरे विच हुंदी है। हाज़री मौलवी तर्जमा किया जी यार यार तुसा वेखे ने, और दो चार यार जाते ने, फिर एक छाल मार के अगे निकल जाता एक पिछे रह गया, मनु रात एक बंदा फोन किया यार इस्लामाबाद चलीए, मैं क्या नहीं मैं सुबह मराड़िए जा सजदा दी उत्थे नौकरी, यार चलीए ना, मैं क्या नहीं यार, मैं नहीं आख्या ना उन्हों साड़ी यारी फिर भी है जे, और यार आखे ना काम करना है तो उन्होंने बंदा क्या नहीं यार, नहीं यार कहन नाल यारी नहीं टुटती, यार दे बंदा अगे टुरे ना तो फिर भी यारी होंदी है, यार दे कोले बह के बंदा रौला पिया पाए फिर भी। मैं खाली इशारा देना सूरह अल हुजरात विच पहलियां दो आयतां ने, या जो अल्लाह जी ना मारू ला तो कदे मुँह बैना ज्यादा ये लबा रसूल है, खबरदार मेरे रसूल के कदम के आगे कदम ना आए, वो ये तेरा यार है, वो मैं मजहब तब्दील कर दिया, अगर पूरे कुरान च अल्लाह ने अपने पैगंबर नू उम्मत दा यार रखा हो अगे नहीं लगना, अल्लाह पैरों का डका पाया पैर में बैन किया पैर अगे ना आए। अच्छा परवरदिगार दूजा काम की करना है, अल्लाह के या अल्लाह जी ना मारू ला तरफाऊ असवातकुम फौक सौत नबी, खबरदार नबी की आवाज के ऊपर आवाज बुलंद मत करना, पहला पैर नु रोके। अच्छा अल्लाह के पैर नु रोके ना, तो मैं भी रुक गया जे,
मैं रुकया पता च क्यों जे अल्लाह कह दे पैर दे अगे पैर ना आवे, पैर दे अगे पैर ना आवे। वैसे वह भी तो पैर ही ने ना जिन्हों नबी आते ऐथे रख। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बड़ी मेहरबानी। हूँ पता लगा जे मैं क्यों रुकया, और मनु भी किसे रोके ही से भैन दो भी पैर ही ने ना। नबी आके ऐथे रख, अल्लाह पहला पैरों ने रोके फिर आवाज न रोके, त्रीजी गल अल्लाह की है भला ताजारू लहू बिल कौले कजारे बाज कुमले बाज, खबरदार मेरे मोहम्मद से ऐसे बात ना करना जैसे आपस में करते हो। मैं अल्लाह इजाजत दे छड़नी सी जे तुहाडे हारदा हुंदा। त्रै काम अल्लाह दसे जे यार दे बंदा अगे भी टुर सकता, यार तो उत्ते आवाज भी हो सकती, यारा नाल बंदा गल्ला भी यार वालियां करदा, इन्हां विचों एक काम भी बंदा नबी नाल करे ना, ये नहीं होंदा जे सुनी है तो सुनी रह जांदा, जे शिया होवे तो शिया नहीं रहिंदा, जे सुनी होवे तो सुनी नहीं रहिंदा। तब जो है या नहीं। अच्छा परवरदिगार ये जे इन्हां तिन्नां कामां विचों कोई चलो आखिर बंदा ही है जे को जाए तो की करेगा, रिजक बंद कर देगा। अल्लाह क्यों मैं क्यों करना है, वह तो मैं फिरौन का भी नहीं किया, वो मैं फिरौन का भी नहीं, मैं काय ना तो राजे कहाँ। अच्छा जी अल्लाह होगा कि अल्लाह क्या की होना, अंत बता मालकुम जिन्हिया पढ़िया नहीं पढ़िया पढ़ाइया खत्म। ओहो हो जिन्हें रखे नहीं रोजे रखे रहाए खत्म। तू मैदान अशर भी चावना न आखना मेरे को अमलों का बोल है बोल है, जिस वक्त वेखने उ कख भी नहीं उत सुह है। वह मैं सुह तर्जमा किया जी मैं मिंबर की कसम है, मैं अंत बता मालक माल अबत अबत शराब फटते न पुलिस वाले, वो किबला जबत हों, चरस फड़न तो अबत हों, सामने साड़ छड़ देन, अबद का मतलब भी साड़ना है। उस वक्त बंदे पुछना परवरदिगार मेरे ऐने अमल गए किधर ने, अल्लाह ने आखना अमल तेरे बड़े सन, ए मेरे नबी को बह के आवाज नहीं सी मारी, ओ एक तेरे हार दा सी उन्हें तू आवाज मारी सी, ओ वो जिहड़ी तेरी ओ सी ना उन्हें पट फेर के रख छड़ी, वो तेरे 80 साल का रिकॉर्ड सी अमाल का जिन्हों तेरी ओ नहीं साड़ के रख छड़। अल्लाह क्या तोड़े अमल जाया कि भला अमल जाया काफरां दे हुंदे, बोलो कोई अमल जाया काफरां दे हुंदे ने। मैं अगे तो नहीं लंघ गया, हो सकता मैं अगे लंघ गया वहां, कोई अमल जाया मुशरकां दे हुंदे ने, मुशरकां दे अमल नूं अल्लाह अमल मानदा ही नहीं, काफर दे अमल नूं अल्लाह अमल मानदा ही नहीं। निकलती शह उस जेब विचों जिहदे विच कुछ होवे, वो जिस जेब विच ही कख नहीं। ये अल्लाह गल कि पे करता है, या जो अल्लाह दिन आमानू ऐमान वाले हो कि भला जी उस दौर के आमानू सन ईमान वाले उन्होंने सियाबी आते ने, अल्लाह गल सियाबी पे करता है। यदा मतलब है कि ईमान लियावना कमाल नहीं, ईमान बचाना कमाल है। ओहो हो कि भला एक मिनट मेरे पास वेखना, दो मिनट मुसाहिब दे एक मिनट, मैं चाहना कि एक गुफ्तगू का यूनिट बन जाए जनाब के जहन च मुरतब हो जाए, एक तरतीब बन जाए। मौलवी तर्जमा की किया, मौलवी तर्जमा किया वली का दोस्त कि अल्लाह तोड़ा दोस्त है, रसूल दोस्त है, अली दोस्त है। मैं कि भला गल नूं मुकाण लगा, ये फिर दोस्त तेरे त्रै ही ने ना, कोई अल्लाह दोस्त है, तू तर्जमा दोस्त किया, काश कदे वक्त हुंदा। ए कुरान पाक में जिन्हें लफ्ज़े वली दे मैंने मैं जनाब के सामने अदिया करता, सिर्फ जो मौलवी तर्जमा किया ना मैं सिर्फ वो पेश कर लगा, अल्लाह दोस्त है, रसूल दोस्त है, अली दोस्त है। यदा मतलब है कि फिर ये जो ये दोस्त ने तो फिर अल्लाह नाल दोस्ती जरूरी है ना, रसूल नाल दोस्ती जरूरी है ना, अली नाल दोस्ती जरूरी है ना। नियाज़ हुसैन तवज्जो करनी आखिरी बंदे तक, यदा मतलब है कि तेरे तर्जमे के मुताबिक अल्लाह नाल दोस्ती करनी है दुश्मनी नहीं। ओहो
मैं किबला रुकया रहा, मैं पूरी गुफ्तगू नू कंकलूड कर रहा। एक जुमले विच तर्जमा तू किया कि अल्लाह दोस्त रसूल दोस्त आली दोस्त तेरे तर्जमे के मुताबिक अल्लाह के नाल दोस्ती जरूरी है, रसूल के नाल दोस्ती जरूरी है, आली के नाल दोस्ती जरूरी है। इहदा मतलब अल्लाह नाल दोस्ती करनी है दुश्मनी नहीं, रसूल नाल दोस्ती करनी है दुश्मनी नहीं, अली नाल दोस्ती करनी है दुश्मनी नहीं। इहदा मतलब तेरे तर्जमे ने साबित कर दिता है तिन्ना दे दोस्त भी इकट्ठे ने, तिन्ना दे दुश्मन भी इकट्ठे ने। भाई इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं। मैं अद्धा जुमला कहना है उस जुमले के इस्तकबाल वास्ते जिन्हां दे सीनियां विच अली वसदे न, बाजू बुलंद करके नाराए हैदरी। इहदा मतलब तिन्ना दे दोस्त भी इकट्ठे ने, और मैं ग्रुप वाली गल की थी ना, इहदा मतलब जिहड़ी सजा अल्लाह दे दुश्मन दी है। ओहो नियाज़ हुसैन मेरा साथ दियो। मैं किबला थोड़े वक्त विच मैं मेहनत बड़ी की थी, क्योंकि तिना के दोस्त भी इकट्ठे ने, तिना के दुश्मन भी इकट्ठे ने। इहदा मतलब सजा जिहड़ी अल्लाह दे दुश्मन दी है ओ ही रसूल दे दुश्मन दी है, ओ ही अली दे दुश्मन दी है। आ हज़ारा मेरे नाल कुरान पाक को पूछिए अल्लाह दे दुश्मन की सजा की है, अल्लाह दे दुश्मन की सजा की है। कि भला ये अल्फाज ने सूरह मुबारका आमीन सजदा दे, आमीन सजदा दी आयत में अदिया कर रहे हैं। खाल फरमाया ज़ालिका जज़ाओ आदा इल्लाह नार, अल्लाह के दुश्मन की जजा जहन्नम है, अल्लाह दी दुश्मनी दी सजा जहन्नम है। इहदा मतलब है तेरे तर्जमे के मुताबिक चूंकि तिना के दोस्त भी इकट्ठे ने, तिना के दुश्मन भी इकट्ठे ने, तेरे तर्जमे के मुताबिक जेड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह दा मुनकर है वह भी जहन्नमी है, जेड़ा मुहम्मद रसूलल्लाह दा मुनकर है वह भी जहन्नमी है, जेड़ा अली उल वलीउल्लाह दा दुश्मन है वह भी जहन्नमी है। जी करबला हुई है ना इसे अली जन वरीउल्लाह उत्ते हुई है। मैंने इसे मेंबर की कसम है, मैं समझना कि जितने सादात मेरे सामने बैठे ना ये सादात ने कुरान दे पारे बैठे इस पारे ने कुरान दे, मैं सादात की इज्जत की कसम है इंज किसी नबी दे पुत्र नहीं रोले जिस राली दियां धियां रोल गई। मौला तुहाडियां धीआं दे पर्दे सलामत रखे, सवाए इस गम दे कोई गम ना वेखो। किबला चालिया साल बाद प्यो पुत्र की मुलाकात हुई है, जनाब याकूब पूछे चूंकि बेनाई अखा तो सफेद हो गई सन जो आमने सामने बैठे न, जनाब यूसुफ आखिया बाबा मैं मिस्र का बादशाह बन गया, मैं मिस्र का बादशाह बन गया। जनाब याकूब खुश नहीं हुए, मैंने इसे मैंबर की कसम है जनाब याकूब आख्या पुत्र मनु की लगे तेरिया छाइया नाल, वो थान नहीं है दसदा जिथे जालम तमाचा मारिया। मनु थान दस जिथे जालम ने तमाचा मारिया, मतलब जो अखा चिटियां कर गया चालीस साल रोंदा रहा है नबी होके कि मेरे पुत्र नु तमाचा लगे, उन्होंने रोना तेरा मुकदर तेरा नसीब है। मैं कदे एडा खुल के मसाहब नहीं पढ़िया, मैं मजबूर हो गया, ओदा पुत्र साई धी नहीं साई, वो याकूब की धी नहीं सी। मैं इसे मैंबर की कसम है कायनात जी एक प्यो है एक धी है, प्यो धी के सामने कुसदा रहा, धी प्यो के सामने तमाचे खाती रही। बस दो जुमले सुन लो, मजलिस तमाम हो गए, मौला तोड़ी इजाजत नूं पूरा फरमाए। कि भला मुद्दत दियां थकियां हुई, मैं की आखे मुद्दत दियां थकियां हुई अलियो बतूल दियां तियां, मैं चाहना कोई आख ऐ तू सुकी ना जाए खुश्क ना जाए। मुद्दत दियां थकियां हुई अलियो बतूल दियां तियां, पाक जहरा दियां तियां एक मकान ते आईयां, नाल रायब दा मकान है ईसाई पादरी उत्ते मकान ते बैठा, उमर साहब ऐलान किया फौज वास्ते खैमे लाओ, मुहम्मद दियां तियां नूं आखो सामने धुप्प ते बह जा,
आका जादगी में तोपते, आका सजाद भी तोपते। जो तू थोड़ी जी देर हुई है ना, थोड़ा जा वक्त गुजरे है कि मौला सजाद दी कड़ियां गर्म हुई ने, भैन भैन होंगी ना, सकीना बर्दाश्त नहीं कर सकी, वेख नहीं सकी। एक खाली प्याला लैके ना जिथे उमर साध खलोता सी, उमर साध को आके दिए, उमर साध मैं थोड़ा जा पानी दे। उमर साध आता तू तो आधी समय शाम तीन तेरे को शह नहीं मंगनी, तू मेरे प्यो का कातिल है, हूँ क्यों मंगना आई है। प्यो के सिर के पास वेख के आँदी है, मैनू बाबे के कट्टे सिर की कसम है, मैं को पीण वास्ते मंगनी है। और मेरे वीर दे जंजीर तप गए, मैं वीर सजा दे जेवरा ते छनकार करना, मिल गया पानी नहीं मिलया। कि भले गल हो रही न, सामने मकान की छाते बैठा ईसाई पादरी राय, उन्हें गल् सुनिया ने, दौड़ के आया आके उमरे साध नूं आदा, यह कौन है यह जिहड़ा नेज़े दी चुंझ ते कुरान पे पढ़दा, यह कौन है। उमरे साध आदा साडा बागी है। जदों बागी का नाम सुनिया ना, वो ईसाई पादरी आंदा मैनूं ईसा नबी की कसम है, जिहड़ा नेज़े दी चुंझ ते कुरान पे पढ़दा ना, यह बागी नहीं, या को नबी है या इमाम है। एक आज दी रात यह सिर मैनूं मेहमान दे राय बद है। उमरे साध दा ते मामूली बंदे दा सिर समझी, एक लाख दिनार जमाना दे, दौड़ के आया आके बीवी ने आता मैं लाख दिनार दे। बीवी आदि के करने लाख दिनार, ये आता मैं जमानत दे के गरीब का सिर ले आना है। वो आदि लाख दिनार दे गरीब का सिर, वो कौन है। सिर चुका के आंदा मेरा वेखिया जरूर है, सुझाण विच नहीं पिया आंदा। अमोला तेरे धीए पर्दे सलामत रखे। एक लाख दिनार लिया आया आके उमरे साध नूं आता ला बेगैरत, ए लाख दिनार ही हूँ तो इस गरीब का सिर मैनू सांग तू ला दे। सिर हथां ते चाया जदों टुरिया ना, उमरे साध पिछू आवाज दे के आंदा है, एक कल्ला नहीं एक कल्ला नहीं, राय बादे ते नाल कौन है। उमरे साध आते ये पुत्र भी नाल ने, आंदा एडा गरीब है, ये पुत्र भी नाल ने। बीबिया के हल्के एक मस्तूर की आवाज आई, राय तू पुत्र गल् पे करना है, ये भैन भी नाल, निकिया निकिया धीं भी नाल ने। जरा सामने धुप तो बह के पैर आई, वह कड़िया से मत्था ला के पैर आई, एदा पुत्र है। ये आया मौला सज्जाद के करीब आके आंदा, सलाम अलैका अय्युहल असीर, कह दी मेरा सलामी। सज्जाद ने कड़िया तो मत्था चुकया, कड़िया की परवाह किए बगैर मौला ने दोवे हाथ मथे ते रखे ने, फरमाया बाबा कैदी पुत्र दा सलाम है। राय बदा कैदी मैं जहमत इस वास्ते दी, मैं जमानत दी, आज दी रात तुसी मेरे मेहमान हो। हूँ तुर पिया राय, जिन्हें इबादत करनी है ना न्याज हो सन तवजो न हटे, मैं सिर्फ दो जमले पढ़ने, हाथों से सिरे राय दे अगे अगे राय बे, पिछे पिछे मौला सज्जाद, पिछे पिछे पाक रसूल दी पाक औलाद। हूँ घर आ गया राय का, राय टुर गया अंदर, सज्जाद बार दरवाजे ते रुक गए। जो तू राय की नजर पई ना तो रोंदिया वेख्या मौला सज्जाद नूं, आंदा कैदी अंदर लंघ गया, बार दरवाजे से क्यों खलो के पैर उन्हें। सज्जाद मौला की कूक निकली, फरमाया मैं आदि हो चुका दरवाजिया ते बह के रोन दा मैं आदि हो चुका दरवाजिया ते बह के रोन दा, तू पहला पर्दा बना। उन्हें पर्दा बनाया, आकाजादियां अंदर आईया, हूँ मैं की करा, इतों मैं किस तरह गुजरा, मेरे को लफज कोई नहीं। किबला जो राय की नज़र पई है ना कि किसी बीबी ने पुछ की टेक नहीं लाई कंध नाल, हर बीबी ने मथा लाया। राय बाद कह दी मैं कोशिश की, मैं गुजर गया उतो, जिन्होंने समझ आनी सी आ गई। कह दी अपनी मस्तूरात नू आ, आज दी रात अपने आप नू कह देना ना समझा तुसी मेरे मेहमान हो, ये तुहाडा घर है, सोफिया पवो कालीना पवो, तुसी कैदी नहीं। आकाजादी जैन मैंने जो ये गल सुनी ना, फरमाया पुत्र सज्जाद लगता है ये जड़ा ईसाई पादरी है ना, साडा बड़ा मेहरबान है, आ फूफी माँ मेहरबान है, साड़ियों सारिया गल्ला पे मनदन, हाँ फूफी माँ सारिया गल्ला पे मनदन। अच्छा इनू आह, अगर तेरी इजाजत हो, मेरी फूफी पी जाती है, तेरी इजाजत हो, साडा जोर नहीं, अगर तू आखे अज तेरे वेड़े असी इस गरीब का मातम कर लीए।
अज तेरे वेड़े विच असी इस गरीब का मातम कर लीए। जो आका सज्जाद ने गल रायब नाल कीती ना, रायब मौला सज्जाद दे पासे वेख के आंदा कैदी वह कहड़े मुल्क की गल कर रहे हैं, वह कहड़ा शरीफ आदमी है जरा रोन तू मना करता है, वह तुहाडा अपना घर है, जिवें चाहो मातम करो। न्याज हुसैन मेरे पासे वेखना, हुण दरम्यान विच रखी गरीब का सिर सजे खबे, बीबिया बनिया हलका, पहला वैन मुहम्मद की धी ने किया है, नाना तेरिया बांगा पिया मिलदिया ने मैं शाम की कैद बन गई, नाना तेरिया बांगा पिया मिलदिया ने मैं शाम की कैद बन गई हाँ, नाना नाना मैं कैदी होकर शाम जा रही हाँ। जो ये गल सुनी ना रायब दौड़ के आया, कैदी कैदी ए कौन बीबी है जी मुहम्मद नू नाना पिया दी, वह मुहम्मद कायनात का पैगंबर मुसलमाना का नबी है। सज्जाद फरमाया मेरी फूफी है, जो आखे ना फूफी है, सामने मकान की छत तू एक आवाज बुलंद हुई, किथे किथे रोवा मेरा करबा लादा गरीब हुसैन, और मां चकिया पी पी के पालती रही है। रायब दा कैदी ऐ ते तेरी फूफी है, वो मेरे मकान की छत ते वखरे बह के रोण वाली बीबी कौन है, आइए सज्जाद नहीं बोले, सामने छत तू आवाज आई है, रायब मेरे पुत्र को ना पूछ, मैं आप दसनी हाँ, आना फातिमा तो बिनते मुहम्मद, और मैं मुहम्मद दी बतूल हाँ, मैं मुबाले वाली सहारा हाँ, वह मैं तो तुहानू दुआ देने वास्ते आई हाँ, वह शाला वसदे रवो, जिन्ना कल मेरा भी आया किया, अज मेरिया धियां का भी आया कर, मोमिनीन तशरीफ।